आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। हाय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अब तक न्यूज पर, मैं जावेद शाह। नाजरीन, वैसे तो हम लोग जिस जगह पर खड़े रहे आज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये मालेगांव शहर का आगरा रोड है, जहां पर कई सालों से मालेगांव शहर में फेस्टिवल लगाया जा रहा है। ये फेस्टिवल की खासियत ये है कि यहाँ पर इस फेस्टिवल, जब भी ये फेस्टिवल लगता है तो हजारों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं हो या खवातीन हो, बुजुर्ग हो, उसका मकसद भी ये रहता है कि यहाँ का जो फेस्टिवल होता है, इस फेस्टिवल में एक अलग ही शनाख्त है, इसकी अलग पहचान है कि यहाँ के फेस्टिवल में बहुत सारी दुकानें लगाई जाती है, खाने की चीज़ से लेकर ज़रूरियात ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले सभी आइटम्स यहाँ पर लगते हैं, बैनरबाजी होती है, पोस्टर होता है। ये फेस्टिवल मालेगांव एक्सपो फेस्टिवल के नाम से लगाया गया है और आज का इस फेस्टिवल का आखिरी दिन है, यानी कि 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक का ये फेस्टिवल लगाया गया था, आज का आखिरी दिन है। वैसे इस फेस्टिवल की एंट्री जो आम दिनों में जो होती है वो अलग होती है, लेकिन आज की जुमा के रोज जो एंट्री है वो नमाज के फौरन बाद यहाँ की एंट्री शुरू हो जाती है और आखिरी दिन खास करके सिर्फ खवातीन के लिए, लेडीज के लिए रहता है, ताकि वो आराम से यहाँ घूम सके, देख सके। और पूरे इस फेस्टिवल में हर चीज़ की दुकानें यहाँ पर लगाई जाती है, बच्चों के खिलौने से लेकर खवातीन की ज़रूरियात ज़िंदगी के कपड़े हो, नकाब हो, बुर्का हो, पर्स हो, वो सभी चीज़ें यहाँ लगाई जाती है। उसके अलावा जेंट्स लोगों के लिए परफ्यूम्स, बाज की दुकानें, खाने की दुकानें, गारमेंट्स की दुकानें सभी लगाई जाती है। फेस्टिवल जब भी लगता है तो मालेगांव शहर के इस फेस्टिवल की खासियत हमने जैसे आपको बताई है, इस फेस्टिवल में हम और भी लोगों से बात करेंगे कि आज का इस फेस्टिवल का आखिरी दिन है। ये कहाँ से आया आप? सर, मैं नागपुर से। नागपुर से आप आए? सर, असगर का माल है, सर ब्रांड का था, जिस भी मैच हो गया सब लोग हमने सेल कर रहे हैं, कम रेट में दे रहे हैं। सर, सिर्फ फेस्टिवल के लिए नागपुर से आए? फेस्टिवल के लिए स्पेशल से आए हैं। क्या बात है, आपको ये पहली बार कब आया इसके पर? सर फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का जो इंतजाम है माशाल्लाह इतना प्यारा है, मैंने इतने एग्जीबिशन करा यहाँ के, जहाँ तक देगा मैंने। अच्छा, आपका बिजनेस कैसा हुआ यहाँ? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, जो मैं सोच के आया था उससे ज्यादा हुआ। कैसा रहा ये आपका 6 दिन का? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, अच्छा रहा, अच्छा रिस्पॉन्स मिला यहाँ पर। अच्छा, बिजनेस हुआ है माशाल्लाह, एक नंबर, पहले से बेहतर। अच्छा, क्या चाहेंगे, एक दो रोज बढ़ जाना चाहिए? बढ़ जाना तो बेहतर रहेगा, 2 दिन बढ़ जाना चाहिए संडे तक। संडे का मार्केट अच्छा रहा था, अच्छा ना, संडे के दिन बहुत अच्छा था रिस्पॉन्स, पूरी पब्लिक जो थी ना बाहर की ज्यादा आती है। अच्छा। संडे के रोज, और जो स्कूल वाले जो बच्चे वगैरह है वो भी संडे के दिन ही, मतलब छुट्टी रहती तो आते। भाई क्या नाम है आपका? वकाश। वकाश, क्या मतलब दुकानें आपने लगाई हुई है, जेंट्स लेडीज? जेंट्स भी है, लेडीज दोनों है। दोनों है। 6 दिन का ये फेस्टिवल कैसा रहा आपके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, रिस्पॉन्स भी मिला, बहुत भारी हुआ। क्या फर्स्ट टाइम आए थे या इसके पहले भी थे? फर्स्ट टाइम हम लोग का। फर्स्ट टाइम है, कहाँ से हो आप? ये मालेगांव में। मालेगांव से? अब्बास नगर नया कलेक्शन। अच्छा, ये अच्छा बिजनेस कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चला। क्या चाहेंगे, एक दो रोज बढ़ जाना चाहिए? फिर बेशक 2-3 4-5 दिन बढ़ जाना चाहिए। हाँ, अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ईद तक रह जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, डबल ईद हो जाएगी, डबल ईद हो जाएगी, ठीक है। और भी लोगों से बात करेंगे कि ये फेस्टिवल उनके लिए क्या है और यहाँ पर कितने लोगों की रोजी रोटी यहाँ से चल रही है। ईद का सीजन है, शबे बारात का सीजन है, तो दुकानदारों से बात करेंगे कि इस ईद के सीजन में आप देख सकते हैं कि मालेगांव शहर का ये सीमा मसाला है। और फेस्टिवल में ऐसा होता है कि बहुत सारे उनको यहाँ पर स्कीम भी दी जाती है, 3 पर 1 फ्री, 2 पर 1 फ्री, सस्ते दामों में ऐड के लिए भी यहाँ पर रहता है। और भी यहाँ पर कुछ कॉस्मिक की मतलब दुकानें लगी है, इससे बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? अंजर। कहाँ से हो आप? मैं मालेगांव से। अच्छा, ये फेस्टिवल 6 दिन का लगा था, इसमें क्या कहेंगे आप, ये फेस्टिवल कैसा रहा आपके लिए? फेस्टिवल तो काफी ग्रेट है, यहाँ पे डे वाइज हमें गर्दी भी देखने को मिलती है, जैसे संडे के रोज गर्दी होती है, ऑफ डेज में ऐसे काफी गर्दी नहीं होती, नॉर्मल पब्लिक आती है, बट हाँ रेस्पॉन्स काफी अच्छा रहा। बिजनेस वगैरह कैसा है? मेरा बिजनेस ठीक है। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आमिर। स्कूल जाते हो? स्कूल नहीं जाते, मदरसा जाते हो? अच्छा, ये फुग्गे कब से कब तक बेचते हो आप? 12 बजे रात में, 12 बजे तक। सुबह कब निकलते हो? सुबह 3 बजे आते हैं। 3 बजे सुबह नहीं, दोपहर में। यहाँ फेस्टिवल में आते हो? 6 दिन से रोज आ रहे हो?
अच्छा धंधा हो जाता है यहाँ पर और दिनों से अच्छा फेस्टिवल में होता है। कहाँ रहते हैं आप? पैदल आते हैं वहाँ से? साइकिल से आते हैं। ठीक है, हम चाहेंगे अल्लाह खूब बरकत दे आपको। आइए और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक चाचा है, दुकान लगाए इन्होंने लेडीज गारमेंट्स की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख हुसैन है। अच्छा, कहाँ से हो आप? मैं औरंगाबाद से। अच्छा, औरंगाबाद से आए फेस्टिवल के लिए? फेस्टिवल के लिए। माशाल्लाह, मालेगांव के अंदर लोग तो यहाँ से खरीदी करने औरंगाबाद जाते हैं, मुंबई जाते हैं। आप माले औरंगाबाद से यहाँ मालेगांव आ रहे हैं? हमको यहाँ पर मालूम पड़ा था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ के जो मतलब हवा में मतलब बहुत ज्यादा रिस्पांस देती है मतलब दुकानदारों को ज्यादा, इसलिए हमने भी आ गए। रिस्पांस मिला माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आपको यहाँ आकर ऐसा तो नहीं लगा कि हमने गलती कर दी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिजनेस हुआ आपका? माशाल्लाह माशाल्लाह। फर्स्ट टाइम आए थे या इसके पहले भी? फर्स्ट टाइम। इंशाल्लाह आने वाले साहब जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, इससे बेहतर करेंगे। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। आइए, हमारे पास में यहाँ पर कुछ दवाइयाँ हैं, उनके भी यहाँ पर दुकानें लगी हुई है, उनसे भी बात करेंगे कि ये 6 दिन का फेस्टिवल कैसा रहा है आपके लिए। क्या नाम है आपका? नाम मनोहर है। अच्छा, कहाँ से आए आप? दिल्ली से, मालेगांव से। मालेगांव से। अच्छा, क्या बेच रहे हैं आप अपने यहाँ पर फेस्टिवल में? जोड़ों के दर्द के लिए टैबलेट्स हैं, ऑयल है, और डाइजेस्ट सिस्टम के लिए एंटासिड सिरप है। मालेगांव में ज़्यादा मनके के मरीज हैं, उनके लिए क्या? उनके लिए हमारे पास एक टैबलेट है ऑर्थोगोनाम से। अच्छा, कैसा रहा फेस्टिवल आपका? अलहमदिल्ला ठीक है। हम लोगों का ऐसा है कि बिजनेस इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए तो प्रमोशन इंपॉर्टेंट है। हमारा एक ब्रांड है फुलफिल नाम, उसकी प्रमोशन तो बिजनेस हुआ कुछ? बिजनेस भी हुआ अलहमदिल्ला, लेकिन मेनली हमारा जो ब्रांडिंग था वो अच्छा हुआ। ठीक है, आइए और भी लोगों से बात करेंगे कि उनके लिए ये यहाँ पर कैसा रहा है। देखिए, वैसे तो मालेगांव शहर में बहुत सारी अलग अलग दुकानें डबल डबल भी रहती है, और बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट, ये खास करके बुड्ढी का बाल ये यहाँ पर बच्चों के लिए लगाया जाता है। और ये चाचा हम देखते हैं कि जब से दुकान शुरू होती है वो चरखा घुमाए जाते हैं, घुमाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा सिर्फ में खवातीन आती है। चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीर खान। मोहम्मद अमीर खान। अच्छा, कहाँ से हो आप? कवारवाड़ी। कवारवाड़ी। ये 6 दिन का फेस्टिवल लगा है, आप फर्स्ट टाइम आए हैं? इसके पहले भी थे? फर्स्ट टाइम। कैसा रहा आपके लिए? धंधा वगैरह हुआ है? हाँ। कोई चीज की तकलीफ नहीं? कोई चीज की आप चाहेंगे कि फेस्टिवल का एक दो दिन और बढ़ जाए? इंशाल्लाह बढ़ जाए तो अच्छा हो जाए। अच्छा हो जाए थोड़ा, मतलब और रोजगार आपको दो और रोजगार दो दिन बढ़ जाए। लेकिन चाचा, एक सवाल यहाँ पर ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ फेस्टिवल नहीं लगना चाहिए, ये खुराफात का अड्डा बन जाता है, इसको कहते हैं। तो वो लोग जैसा अपना नजरिया है तो वैसे हिसाब से वो बोलेंगे ना। जैसे अगर मैं गलत आदमी हूँ और मैं कुछ करना चाहता गलत तरीके से तो गलत होगा। नियत पे दारू मदार, नियत पे दारू मदार, अल्लाह अपने गुमान पे फैसले करता है। चलिए चलते हैं और भी लोगों से मुलाकात करेंगे। मालेगांव शहर का टेस्टो को कीमा मसाला है, गार्डन टी है, इस पर भी चलेंगे, इस पर भी बात करेंगे। वैसे और भी बहुत सारी दुकानें लगी, अगर हम लोगों ने यहाँ रिपोर्टिंग की तो कम से कम 2 घंटे तक हम लोगों को रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। आइए गार्डन टी पर चलते हैं कि गार्डन टी जो हमारे मालेगांव शहर की है, इस पर बात करेंगे कि गार्डन टी की खासियत क्या है और क्या खास बात है। क्या नाम है आपका? इसका नाम धनी है जी। गार्डन टी जो आप यहाँ पर दुकान लगाए, 6 दिन का ये फेस्टिवल था, अलहमदिल्ला बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और हम लोगों ने देखा है कि हमारे कौन से कस्टमर है आज सामने आए हैं सब, और कुछ नए कस्टमर भी बने हैं जिनको 150 रुपये वाली जो चाय वो लेते थे वो 75 में लेके जा रहे हैं, साथ में खबानी का मसाला एक प्याली फिर। आज का लास्ट डे है, हम तो ये चाहेंगे कि आज जितना हो सके पब्लिक फायदा उठा ले। ये चाहेंगे कि आप 2 रोजगार बढ़ जाए? नहीं, फिर इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जरूरत से ज्यादा अगर जरूरत तो फिर उसका अहमियत खत्म हो जाता है। ठीक है इरफान भाई, बहुत शुक्रिया। आइए मालेगांव शहर का टेस्टो को जो फूड इंडस्ट्री का जो मसाला है इस पर भी बात करेंगे। फेस्टिवल में कैसा लग रहा है घूम के? अच्छा लग रहा है, आज का आखिरी दिन है, अफसोस हो रहा है। चाचा, आप लोग भी यहाँ फेस्टिवल में आए हैं? हाँ हाँ। क्या करने आए हैं आप यहाँ? बस यही देखने आए क्या है क्या नहीं है, मालेगांव की क्या क्या चीज है। अच्छा, वही देखने आए। क्या ये चलते हैं टेस्ट ऑफ मसाले पर, मतलब बात करेंगे यहाँ पर आबिद सर के, हमारे साथ ऐसे मुलाकात करेंगे। पहले हम टेस्ट ऑफ से बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे आप 6 दिन का आपका ये जो फेस्टिवल में रहा कैसा रहा? काफी अच्छा रहा, बहुत अच्छा भरा है। बिजनेस कैसा रहा?
काफी अच्छा रहा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। क्या चाहेंगे आप, क्या और भी एक दो रोज इसका अगर बढ़ जाए तो? और एक दो रोज अगर बढ़ जाए तो काफी अच्छा होगा। अच्छा होगा, शहर का जो है निजाम जो है रिक्शा ये फेस्टिवल जो है ना, इससे जो है शहर में सब जगह क्या बिक रहा है तो यहाँ आता है, एडवर्टाइज होता है कि गाँव में अपने गाँव में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, पेट्रोल में आता है उससे ऐड होता है तो फिर और वो बढ़ता है। बिल्कुल, खास बात मालेगांव शहर के जब फेस्टिवल लगा था तो उसका मकसद ही यही था कि मालेगांव शहर में तैयार होने वाली चीजों को उजागर करना है कि मालेगांव शहर में क्या क्या चीजें बनती है, क्या क्या ईजाद होता है, मालेगांव शहर के लोग क्या क्या चीजें बना सकते हैं, इस पर भी बात होती थी। और खास करके मालेगांव शहर फेस्टिवल का इनकार का मकसद ही यही था कि मालेगांव शहर में तैयार होने वाली चीजों का उजागर करना क्या रहा। मेरा नाम रिजवान खान है, आयरन वेदर रेमेडीज की तरफ से हूँ मैं, और मेरा जो एक्सपीरियंस यहाँ मालेगांव का लेकर है बहुत अच्छा लगा है, और जो आसपास के लोग हैं रूरल एरिया है तो कंटिन्यू यहाँ विजिट है, वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ रहा है। और जो हमारा स्टॉल है दिल्ली की मैन्युफैक्चरिंग है हमारी, यहाँ हमने जो ऑफर दिए हुए हैं एक के साथ एक फ्री में है, ताकि लोगों को आम जनता को यहाँ फ़ायदा पहुँचाने के लिए सीधा कंपनी ने हम लोगों को यहाँ पे उतारा है। थैंक यू। तो सवाल ये है कि आपको बहुत सारे आप एक्सपो में गए होंगे, उसके बनस्बत आपको मालेगांव शहर का ये एक्सपो कैसा है? मैं अगर यहाँ की बात करूँगा तो सबसे जो यहाँ का बाकी सारे पॉइंट अच्छे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा नेगेटिव है कि बहुत रोड की जो प्रॉब्लम है उसमें पानी वगैरह की हम कंटिन्यू अपनी नवाज नहीं रख सकते, पाप नहीं रह सकते, वहाँ गेम से गुजारा करना पड़ता है, ये थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी ऑल ओवर बाकी सब अच्छा है। कोई ना कोई खामियां रही जाती है, बड़ा अरेंजमेंट करने में कुछ ना कुछ रह जाता है, और वहाँ यहाँ पर सबसे अहम चीज़ क्या, अगर मुस्लिम शहर है मुस्लिम कम्युनिटी है तो यहाँ पर पार्टी का सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ पर होता है। आइए और भी लोगों से यहाँ पर हम बात करके इसको ख़त्म करेंगे कि ये फेस्टिवल आज का आखिरी दिन, हमारे साथ में हमारे तौसीफ भाई है, इनसे बात करेंगे। काफ़ी शानदार रहा और ऐसा नहीं सोचे तो उससे ज़्यादा बेहतर रहा, और काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट था, और बहुत ही अच्छी हमने गाँव वालों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उन्होंने बहुत हमें कोऑपरेट किया और बहुत अच्छे से निज़ाम चला। जैसे बहुत वक्त पहले कुछ होता था तो होता था क्या जेंट्स नहीं आया और ये नहीं आया, तो ये सब बातें भी नहीं थी, जेंट्स वगैरह भी आए पर उसके बावजूद भी अपने गाँव का उन्होंने एक नाम अच्छे से रखा, और जो भी था यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा था, इस्लामी माहौल जैसा अपना मुसलमानों का था, छेड़छाड़ नहीं हुई किसी भी किस्म की, यहाँ पे बदतमीजी नहीं हुई, लेडीज भी अपने अपने हिसाब से फैमिली लेके आए और अपने आप को सेफ फील करें, जैसे किसी किस्म की यहाँ पे बदनज़मी नहीं थी कि यहाँ पे भी कुछ छेड़छाड़ हो रही है, और कुछ दिनों पहले कुछ अफवाहें घूमी कि यहाँ ना आए, ऐसा कुछ माहौल नहीं था, काफ़ी अच्छा माहौल था, सब अपने अपने फैमिली लेके अपने अपना इंजॉय कर रहे थे, और कोई भी किसी के लिए कोई भी फालतू काम या कुछ ऐसा चोरी वगैरह या फिर जैसे छेड़छाड़ ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, आज 8 दिन पूरे हुए, बस मैं इतनी बातें बोल के और सच। क्या और एक दो दिन इसका बढ़ जाना चाहिए? ज़रूर बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत अच्छा माहौल है और लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट है, मालेगांव में जैसे कोई घूमने का पॉइंट नहीं है तो इसे आज गांव वाले सब इसे गार्डन और इसे ही सब क्या बोल सकते हैं अपने से जैसे तफरी के लिए तफरी के लिए सब यहाँ पे जरूरत किसी तरीके से। ठीक है, चलिए अब ये थी आज की हमारी फेस्टिवल के अंदर यहाँ पर हम लोग आए हुए थे और इसका यहाँ पर हम लोगों ने रिपोर्टिंग की है। ये रिपोर्टिंग आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, और देखते रहिए अब तक न्यूज इंडिया, फिर हाजिर रहूंगा आपके बीच किसी नए मौजू पर नए सवाल के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।